ईमानदारी का क्यों नहीं कमाते रे भाई, मेहनत का क्यों नहीं खाता, क्यों दूसरों की संपत्ति पे नजर गड़ाए और हड़पने की कोशिश कर रहे हो? कितने धन्ना सेठ हो जाओगे दूसरों का हड़प के, श्रापित हो जाएगा तुम्हारा परिवार, सर्वनाश हो जाएगा। हड़पा तो था दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति, जमीन सर्वनाश हो गया। तारी का कमाओ, मेहनत करो, 100 करोड़ पड़ा हो सामने, देखो मत उसकी तरफ। तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा 1 रुपया गिर जाए जेब से तो उठा लो, पर दूसरे का 100 करोड़ पड़ा है तो देखो भी मत। ईमानदारी, सिद्धांतवादी बनो। अनिरुद्धाचार्य कैसा है, मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करता, मैं काम करता हूं, बेईमानी नहीं करता, मैं आपसे कहूं कुछ और करूं कुछ ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। अनिरुद्धाचार्य जितना कहता है उतना आप आके चेक कर लेना, गौरी गोपाल आधी रात को जितना कहा गया उससे ज्यादा ही मिलेगा। मैं 1 रुपए की बेईमानी नहीं करता कि गलत बता के आपसे पैसे ले लूं। मैं कहता हूं कि यहां 280 माताओं की सेवा होती है, मतलब होती है, देख लो आकर 154-150 बच्चे पढ़ते हैं यहां गौरी गोपाल गुरुकुल में, देख लो आकर। माओ के लिए इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, 1000 माओ के लिए, देख लो आकर। जो कहा उतना ही कहा जितना करने की क्षमता है, झूठ बोलना आता ही नहीं। ईमानदारी से, हम झूठ बोल के आपसे पैसे क्यों लें? हम तो आपको कभी फोर्स करते नहीं कि तुम पैसे दो हमें। की सेवाओं के लिए जो लोग देते हैं वो अपनी खुशी से देते हैं, कोई दबाव नहीं होता किसी प्रकार का कि नहीं जी आपको देना ही पड़ेगा। क्यों, आपको कोई दबाव डालते हैं? कोई बोलता है कि दो? आपका मन है तो दो, नहीं है तो आशीर्वाद दो। ईमानदारी, ईमानदारी, जब आपकी नीति और नियत साफ होती है ना तो उसका फल भगवान देते हैं। भगवान तो देख रहे हैं। एक दिन अनिरुद्धाचार्य को जाके ईश्वर के सामने गवाही देनी पड़ेगी कि नहीं? भगवान सवाल करेंगे, क्यों अनिरुद्धाचार्य, तुम्हें भेजा था संसार में, क्या करके आए हो, जरा हिसाब दो। हमें देना पड़ेगा प्रभु, आपने मानव शरीर दिया, आपने कृपा करके 2 अक्षर का ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बल पर मैंने समाज की जितनी सेवा हो सकी, जितनी मेरी क्षमता आपने कृपा की, मैंने किसी का दिल ना दुखाया प्रभु, अंकर समाज की जितनी सेवा बन सकी तो सेवा की है प्रभु। मेरा पूरा हिसाब भगवान के सामने, मुझे तो हिसाब मांगा जाएगा ना तो मैं दूंगा। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं कभी किसी को बेसताता नहीं, मैं किसी को दर्द नहीं देता, कष्ट नहीं देता। वाणी से, हमारे मन से, हमारे कार्यों से आज तक किसी का दिल दुखा है? बोलो, कभी वाणी से दिल दुखा है किसी का तो हमने तुरंत क्षमा मांगी है कि यदि हमारी वाणी से किसी का दिल दुखा हो, ठेस लगी हो तो क्षमा कीजिए।